इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है कि जो ये नफरत फैला रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, आदिवासियों को नॉन आदिवासियों से लड़ा रहे हैं, इसके खिलाफ हम यहां आए हैं। हम सबको जोड़ने यहां आए हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। देखिए मुस्कुरा रही है, ये आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप देखिए किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। बताइए किसानों के खिलाफ कैसे अन्याय हो रहा है, बताइए बताइए कैसे हो रहा है। एक सेकंड आप बोलिए, किसानों के खिलाफ क्या हो रहा है? खरीद नहीं करता ये, हमारा धान उपज है वो खरीद नहीं करता। तो देखिए बिल्कुल सही बोला, किसान के खिलाफ अन्याय हो रहा है। पहला अन्याय, सबसे बड़ा अन्याय, जो तीन काले कानून नरेंद्र मोदी जी लाए, जो किसानों का था उसको उनसे छीनने की कोशिश की और देश के सारे किसान खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम भी इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई और कानून को रद्द करना पड़ा। पहला अन्याय ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अदानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात एक सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेस, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अदानी भैया बेच नहीं रहे हैं। वो उनको एक के बाद एक दिया जा रहा है। हम जमीन अधिकरण बिल लाए, बात सुनिए, मैं और कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन अधिकरण बिल लाए। हमने कहा कि अगर गरीब किसान से जमीन ली जाए तो सबसे पहले पंचायत से पूछ के ली जाए, उससे पूछ के ली जाए और मार्केट रेट से चार गुना ज्यादा किसान को पैसा मिलना चाहिए। ये हमने कानून बनाया। पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, जमीन अधिकरण बिल को उन्होंने रद्द किया। हम आदिवासी बिल लाए, आपका यहां सरना कोड लाने की कोशिश की हमने, उन्होंने उसको नहीं लाने दिया। तो देखिए सब लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है पता है किसके लिए हो रहा है? अदानी, अदानी के लिए, अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है।